H2S2O8। क्या यह कंपाउंड कभी देखा है? क्या है इसका नाम? H2S2O8। इट्स पर सल्फरिक एसिड। ऑल्सो कॉल्ड मार्शल एसिड। पर सल्फरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? यदि हम मोटे दिमाग से कैलकुलेट करें, मोटी बुद्धि से कैलकुलेट करें, तो हम सिंपली यह कह देंगे +2 + 2x + 8 - 2 = 0। Hence, x equal to +7। यदि हम बिल्कुल मोटे मोटे तौर पर बिना सोचे समझे कैलकुलेट करें तो इस तरह से कैलकुलेट करके हम कह देंगे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +7। क्या सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो सकता है? नहीं। वंस अगेन, सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो +6 ही। इधर क्या स्थिति है वह समझने के लिए हम मार्शल एसिड का स्ट्रक्चर देखें। वह इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। वी हैव गॉट अ पेरोक्सी लिंकेज। सल्फर तो +6 पर ही है। यह दोनों ऑक्सीजन इंपैक्ट -2 के बजाय -1 वाले ऑक्सीजन है, पेरोक्सी लिंकेज वाले ऑक्सीजन है। और जब यह मार्शल एसिड H2SO4 में ट्रांसफॉर्म हो रही है तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, वहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। ऑक्सीजन के द्वारा एक H2SO4 दो एक H2S2O8 दो H2SO4 देगा और साथ में दो H पॉजिटिव के साथ में कंबाइन करेगा और साथ में दो इलेक्ट्रॉन के साथ में कंबाइन करेगा। एक मार्शल एसिड का मॉलिक्यूल दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। इस केस में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 है। इक्विवेलेंट वेट वुड बी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। जबकि H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? H2SO4 का इस केस में इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? क्या आप में से कोई भी मुझको बताएगा इसी समय, इस रिएक्शन में H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? इस रिएक्शन में H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मार्शल एसिड से H2SO4 मिल रहा है, इस H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या कहेंगे? हाँ, M/4 क्यों? गलत कह रहे हो। Y factor 4। अरे भाई, दो H2SO4 के मॉलिक्यूल दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, एक H2SO4 का मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज 1, इक्विवेलेंट वेट इज 98/1। जबकि केरोस एसिड वाली ये जो रिएक्शन है, इसमें H2SO4 का इक्विवेलेंट एक H2SO4 का मॉलिक्यूल देखिए दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 है, इक्विवेलेंट वेट होगा 98/2 इस केस में, और इस केस में H2SO4 का यही इक्विवेलेंट। मार्शल एसिड के लिए तो एक मॉलिक्यूल दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 लिख दिया और इक्विवेलेंट वेट इट्स मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। लेकिन इधर दो H2SO4 के मॉलिक्यूल दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, एक H2SO4 का मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, इक्विवेलेंट वेट इज 98/1। जबकि केरोस एसिड वाली रिएक्शन में एक H2SO4 का मॉलिक्यूल दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज 2, हेंस इक्विवेलेंट वेट इज 98/2।
देखिए मैं पहले ही बता चुका हूं, इक्विवेलेंट वेट मेरे समझाते समय भी थोड़ा डिफिकल्ट है, आपके समझने में भी थोड़ा डिफिकल्ट है, और अप्लाई करते समय भी ये डिफिकल्ट है। और मैं साफ कह रहा हूं, अभी भी आपको 100% क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ रहा है, ये बिल्कुल गलत है। आपको 100% क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आएगा जब आप इसके 50 प्रॉब्लम कर चुके होंगे, उसके पहले तो ये सब चीजें समझ में नहीं आएंगी। हाँ, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, बस कोशिश करो जो जो चीज मैं स्पेशली बता रहा हूं उन सब चीजों को नोट कर लें, उन सब चीजों को दिमाग में बैठो। क्या इसी समय आप HCL के सभी के ABCNV फैक्टर आइडेंटिफाई करके लिखेंगे? हाँ जी, देखिए इसमें -1 से +1, hence change in oxidation status 2। इसमें इट्स बिहेविंग एज एसिड, hence basicity is 1। इसमें -1 से 0, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा 2, क्योंकि दो क्लोरीन के एटम्स हैं, दोनों मिलकर दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। HCl -1 से +5 पर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 6, यह -1 से +7 पर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेटस 8, इधर -1 से +4 पर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेटस 5। ब्लीचिंग पाउडर गिविंग यू CaCl2, KClO3 गिविंग यू KCl, बैन HBr गिविंग यू KBrO3, Br2 गिविंग यू KBr, I2 giving you NaI, I2 giving you HiO3, इन सभी के मुझको ABCNV फैक्टर चाहिए। सबसे पहले CaOCl2, CaOCl2 वी कॉल इट ब्लीचिंग पाउडर। क्या आप मुझे बता सकते हैं CaOCl2 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? क्या आप में से कोई मुझे बताएगा CaOCl2 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन CaOCl2? X+1 and -1। बिल्कुल मोटे तौर पे कैलकुलेट करोगे तो आपको जीरो देखेगा, लेकिन जीरो नहीं होता है। CaOCl2 में इनफैक्ट कैल्शियम आयन, हाइपोक्लोराइड आयन और क्लोराइड आयन होते हैं। यह क्लोरीन -1 पर है, जबकि यह जो क्लोरीन है यह +1 पर होता है। जैसे NaOCl में
NaOCl में यह ऑक्सीजन माइनस टू पर, यह क्लोरीन प्लस वन पर, सोडियम प्लस वन पर। इसी तरीके से OCl नेगेटिव यह है, इसमें क्लोरीन प्लस वन। मैं यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट नहीं सोच सकते, इसमें हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का ही कंसेप्ट सोचना होगा। हम इसमें कहते हैं कि CaOCl2 जब CaCl2 देता है तो यह जो दो ऑक्सीजन है यह दो H पॉजिटिव के साथ में रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल देते हैं और साथ में दो इलेक्ट्रॉन वहां पर ट्रांसफर होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड लिखना होगा और वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड दो है, क्योंकि यह दोनों क्लोरीन मिलके यह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। KClO3 में प्लस 5 से माइनस 1, हेंस चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 6। HBr गिविंग यू KBrO3, माइनस 1 से प्लस 5, हेंस चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 6। दिस फ्रॉम 0 टू माइनस 1, बट 2 ब्रोमीन इज हियर, हेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2। I2 गिविंग यू NaI, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2, फ्रॉम 0 टू माइनस 1। I2 गिविंग यू SiO3, 0 टू प्लस 5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 10। मेरे परसों के लेक्चर में आप सभी JEE बैच के जितने भी हैं, आप सभी को रिडॉक्स टाइट्रेशन का पैकेज मिल चुका है। उस रिडॉक्स टाइट्रेशन के पैकेज को आप सभी जरूर कैरी करें। JEE बैच में आप सभी को रिडॉक्स टाइट्रेशन का पैकेज सेट में मिल चुका है। उस रिडॉक्स टाइट्रेशन के पैकेज को आप सभी को लाना कंपलसरी है। यदि आप वह पैकेज नहीं लाओगे, यू विल फाइंड योर सेल्फ इन अनकंफर्टेबल पोजिशन। मैं काफी सारे प्रॉब्लम उसमें से कराने वाला। आयोडीन व्हेन इट गोज फ्रॉम 0 टू प्लस 7, एक आयोडीन 7 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, दोनों आयोडीन मिलकर 14 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। NaI गिव्स यू आयोडीन एट प्लस 5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज 6। And this iodine at plus 5 give you iodine at plus 7. Number of change in oxidation state भी लिख सकते हैं, इधर change in oxidation state भी लिख सकते हैं, change in oxidation state is 2. While here change in oxidation state 7, change in oxidation state 6, change in oxidation state 2. While here change in oxidation state 1, change in oxidation state 5. दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हुए दिख रहे हैं बस हमको। जो हाफ रिएक्शन लिखी उस हाफ रिएक्शन में मैं एक और बार लिख देता हूं CaOCl2 वाली। CaCl2 मिल रहा है, यह जो ऑक्सीजन है, हाफ रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम हमेशा एक ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए दो एच पॉजिटिव ऐड करते हैं। यह दो एच पॉजिटिव इस एक ऑक्सीजन के साथ में मिलके वाटर मॉलिक्यूल देंगे और साथ में दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। लेकिन ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इनफैक्ट वो क्लोरीन के पास हो जाएगा। हाँ हाँ, फोर्थ नंबर पे। हाँ, इधर या इधर? Br2 की बात कर रहे हैं ना। Br2 0 से माइनस 1 पे जा रहा है, एक ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, जबकि यहां पर दो Br ब्रोमीन है।
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू। केबीआर, केबीआर के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट वन, क्योंकि एक ब्रोमीन जैसे नीचे आज के दिन में बस इतना ही कराता हूं। पिछले लेक्चर में मैं आपको रेडॉक्स टाइट्रेशन स्टार्ट करवा चुका था। मैंने एबीसीएनवी फैक्टर, यह फैक्टर समझाया था, और इक्विवेलेंट वेट गिवन एज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एबीसीएनवी, यह चीज आपको समझा दी थी। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मोल्स, हाउ दे आर रिलेटेड, यह रिलेशनशिप समझा दिया था। नॉर्मैलिटी और मोलारिटी, हाउ दे आर रिलेटेड, वह रिलेशनशिप समझा दिया था। और मैं अलग अलग कंपाउंड, अलग अलग रिएजेंट के लिए अलग अलग रिएक्शन में एबीसी एनवी फैक्टर डिटरमाइन करवाना चालू करवा दिया था। मैंने यह बताना चालू कर दिया था कि कोई सा भी रिएजेंट किसी रिएक्शन में उसका एबीसी एनवी फैक्टर क्या होता है। मैंने H2SO4 के लिए डिस्कशन करवा दिया था, और मैंने HCl के लिए, HiHBr, इन सभी एसिड्स के लिए डिस्कशन करवा दिया था। मैं उसी चीज को, उसी टॉपिक को कंटिन्यू रखता हूं। मैं कई सारे रिएजेंट और द हाफ रिएक्शन शोन बाय दोस रिएजेंट वह लिखता हूं, और वंस अगेन आप अंडरलाइंड रिएजेंट के लिए एबीसी एनवी फैक्टर आइडेंटिफाई करके लिखो द सेम टास्क। खास बात इस आर्टिकल को कराने का जो मेरा एम है, एक तो इस चैप्टर में इन्वॉल्व होने वाले सारे रिएजेंट आपको पता चल जाना चाहिए, दूसरा उन रिएजेंट के साथ किस तरह के चेंजेस हो सकते हैं आपको वह जानना है, तीसरी बात उन रिएजेंट के साथ जो भी कुछ चेंज हो रहा है रिएक्शन के दौरान उस चेंज के लिए एबीसी एनवी फैक्टर क्या होगा। मतलब जब नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो किस फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे, जब मोलारिटी को नॉर्मैलिटी में या नॉर्मैलिटी को मोलारिटी में कन्वर्ट करना है तो किस फैक्टर का इस्तेमाल करा जाए, यह बात अच्छी तरह से आपको जानना है। कंटिन्यू द सेम टास्क फॉर दिस HNO3 जो आप पिछले लेक्चर में कर रहे थे, उसी को आप कंटिन्यू कीजिए। इन सभी के लिए आप एबीसीएनवी फैक्टर आइडेंटिफाई करके मुझे बताइए। इन सभी हाफ रिएक्शन के लिए HNO3 का
एबीसी एनवी फैक्टर आइडेंटिफाई करके आप वह लिखें। HNO3 किसी भी रिएक्शन के दौरान इस तरह के प्रोडक्ट दे सकता है और इन सभी रिएक्शन में HNO3 का ABCNV फैक्टर क्या होना चाहिए। ऑक्सैलिक एसिड के लिए, हाँ जी, सेट वन। अब देखिए, सबसे पहले हम हमेशा यह देखते हैं कि क्या किसी स्पेशस का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। यदि हमें स्पेशस का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता हुआ दिख जाए जैसे HNO3 में नाइट्रोजन का जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है वह +2 में ट्रांसफॉर्म हो रहा, इन दैट केस इस हाफ रिएक्शन में HNO3 रिड्यूस हो रहा है, हम यह कहते हैं वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के माफिक बिहेव कर रहा है, वह एसिड के माफिक बिहेव नहीं कर रहा। उसका रिएक्शन के दौरान एसिड के माफिक रोल नहीं है, इनफैक्ट उसका जो रोल है वह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के माफिक है, वह सामने किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है और स्वयं रिड्यूस हो रहा है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान उसका चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, +5 से 2। इसका जो ABCNV फैक्टर होगा उसमें हम चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को हाईलाइट करेंगे और दैट इज इक्वल टू 3। वेल इन दिस केस the same HNO3 is getting transformed from +5 to +4, hence the change in oxidation state is 1. While when HNO3 is giving you NaNO3, अब आप एक बात को देखें, अब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, नाइट्रोजन का इधर भी +5 इधर भी +5। अब यदि HNO3 NaNO3 दे रहा है, HNO3 यदि NaNO3 दे रहा है, इसका मतलब सिंपली वहां पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही होगी, एसिड और सॉल्ट रिएक्ट करके, एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दे रहे होंगे। इधर HNO3 एक एसिड के माफिक बिहेव कर रहा है जिसकी बेसिसिटी 1 कही जानी चाहिए। When HNO3 is giving you ammonia, नाइट्रोजन एट +5 इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म इन टू नाइट्रोजन एट -3। वंस अगेन वी कैन ऑब्जर्व द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एंड इट्स फ्रॉम +5 to +3 एंड चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 8। वेन HNO3 इज गिविंग यू NaNO2, देखिए NaNO3 में नाइट्रोजन का कोई चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं था, लेकिन NaNO2 में नाइट्रोजन का चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 से +3। इधर नाइट्रोजन का चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्जर्व करा जा सकता है, इसका मतलब HNO3 वंस अगेन इधर रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के माफिक बिहेव कर रहा है, ABCNV फैक्टर इज 2, द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 2। While in this case, the nitrogen which is at +5 oxidation state is getting transformed into nitrogen at 0 oxidation state. Change in oxidation state is 0. While for N2 को भी मैंने underline करा है, N2 में दो nitrogen है, जब दो nitrogen atom है, मतलब दो atom यदि redox change में participate कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में
दो नाइट्रोजन यदि रॉक्स चेंज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हम चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का फंडा नहीं लिख सकते, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का फंडा लिखना होगा। हम कहते हैं एक नाइट्रोजन प्लस फाइव से जीरो पर जा रहा है, एक नाइट्रोजन प्लस फाइव से जीरो पर जाते समय पांच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, दोनों नाइट्रोजन मिलकर N2 के दोनों नाइट्रोजन मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे और इसके लिए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इक्वल टू 10 लिखेंगे। हाँ आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने गलती कर दी, डेफिनेटली C इक्वल टू 5 होगा, C इक्वल टू 5 होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट सही। While when HNO3 is giving you N2H4, when HNO3 is giving you N2H4, देखें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज हो रहा है, प्लस 5 से N2H4 माइनस 4 माइनस 2, प्लस 5 से माइनस 2 पर जा रहा है, एक नाइट्रोजन जब प्लस 5 से माइनस 2 पर जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, HNO3 के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है, जबकि N2H4 के लिए हम कहेंगे एक नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, दोनों नाइट्रोजन मिलकर 14 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। मैं HNO3 गिविंग यू N2H4 की हाफ रिएक्शन लिखकर बताता हूं, कंप्लीट हाफ रिएक्शन। यदि हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो ये जो आखिरी वाली रिएक्शन मैंने लिखी है HNO3 गिविंग यू N2H4, इसकी मैं पूरी हाफ रिएक्शन कंप्लीट लिखता हूं N2H4। बिना ऑक्सीडेशन स्टेट देखे भी हम देख सकते हैं इसमें 14 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। देखिए किस तरह से दो नाइट्रोजन राइट हैंड साइड में है, डेफिनेटली दो नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में भी होने चाहिए। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने की बारी है, दो हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में है, चार हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में है, क्योंकि राइट हैंड साइड में दो हाइड्रोजन ज्यादा है इसलिए दो H पॉजिटिव आयन राइट हैंड साइड में लगा दिए जाए और कह दिया जाए कि अब हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से मैं इस हाफ रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूं। अब ऑक्सीजन देखें, राइट हैंड साइड में कोई ऑक्सीजन नहीं है जबकि लेफ्ट हैंड साइड में 3 × 2 6 ऑक्सीजन। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा इन 6 ऑक्सीजन को बैलेंस करने का तरीका है, दुगने एच पॉजिटिव आयन डाल दीजिए इधर, 12 एच पॉजिटिव आयन इन 6 ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 6 वाटर मॉलिक्यूल दे देंगे। हाफ रिएक्शन के सारे स्पेशियस तो बैलेंस हो गए, अभी हाफ रिएक्शन बैलेंस नहीं हुई। हाफ रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए चार्ज बैलेंस करना बाकी है। इधर नेट न्यूट्रल जीरो चार्ज है जबकि इस जगह पर आप देखें 14 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन कहीं से आ रहे होंगे, इन पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करा जा रहा होगा और देखें इस रिएक्शन के दौरान 14 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। हम यह भी कह सकते हैं दो HNO3 के मॉलिक्यूल 14 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, एक HNO3 का मॉलिक्यूल 7 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। While a molecule of hydrazine N2H4 it's transferring 14 electron. Hence, number of electron transferred for hydrazine is 14. पहले सेट के लिए ABCNV फैक्टर समझने के बाद दूसरा सेट करें।